guys, what's up you all? I hope you guys are having absolutely great day because I am also having a good day, but I am lying. नहीं यार, आज मेरे बहुत बढ़िया मूड स्विंग्स हो रहे हैं. मतलब मूड लिटरली डाउन है. स्विंग तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि स्विंग होने के लिए ऊपर भी जाना पड़ता है. बट नो, आज मेरा मूड डाउन है. बट मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैंने ब्लॉग चालू किया, थोड़ा थोड़ा मूड मेरा ऊपर जाने चालू हो गया है. ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे वो महीने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वो चालू होने वाला है. नो प्रॉब्लम, हम लोग आज व्लॉग करेंगे. और आज बहुत बढ़िया दिन है बाहर, और आज एक बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है जिसके लिए हम आज ये व्लॉग चालू करें. मैं वो आगे आगे बताती हूँ, बट विदाउट एनी फर्दर डू लेट मी गेट स्टार्टेड टू द व्लॉग नाउ. सो लेट्स गो. भैया लेट्स गो तो बोल दिया, पर एक चीज़ तो बतानी है. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको तब तक पता ही चल गया. थोड़ी देसी फीलिंग आ रही है यूके में, क्योंकि ये चद्दर जो बेडशीट बिछाई है वो आई है इंडिया से. जो पैकेज हमने अनपैक किया था उसमें से आई है ये बेडशीट, और बहुत बढ़िया लग रही है यहाँ. ये भी देख लो, ये इसमें सोने का मजा भैया. ओह माय गॉड, ऐसे लग रहा है होटल रूम में सो रहे हैं. घर में सोने का फीलिंग आ ही नहीं रहा. इसे यहाँ पे डुवेट बोलते हैं. बहुत ज़्यादा है अभी. प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, यहाँ पे ठंडी बढ़ते जा रही है. आज है 0 डिग्री सेल्सियस, और उस 0 डिग्री सेल्सियस की वजह से, मतलब सुबह तक तो था, अभी तो दोपहर हो गई है, मुझे नहीं पता कितना है, बट 0 डिग्री सेल्सियस है तो ठंडी बढ़ने वाली है. और उस ठंडी से बचने के लिए हम लोगों ने डुएट मंगाया. कल हम लोग ये डुएट लेके सोए थे और बहुत बड़ी नींद, बढ़िया नींद आई है. ज़रा भी ठंडी महसूस नहीं होती. हालांकि मंजित, हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद खिड़की खुली रखी नहीं, क्योंकि इतनी ठंडी हवा आती है ना पूरा रूम, मतलब भैया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. बट कल मंजित बोला कि लेट्स एक्सपेरिमेंट डुएट का कितना पावर है, तो हम लोगों ने खिड़की खुली रखी है सो, एंड लिटरली इसमें फील नहीं हुआ वो ठंडी. सो इट्स परफेक्ट यहाँ के ठंडी के लिए डुएट. अब एक मेहमान आए हैं जिनसे मुझे आपको मिलाना है, तो लेट मी जस्ट टेक यू. हाय अलेक्सा, how are you? Now that you've asked, I am on cloud 9. Alexa, आप कैसे हो? आज मैं जरा रिलैक्स्ड मूड में हूँ, तो बस बैठे बैठे सीटी बजाने की प्रैक्टिस चल रही थी. अभी तक कितना सीखा यह जानने के लिए कहिए सीटी बजाओ. सीटी बजाओ, Alexa, सीटी बजाओ. I'm just exploring this Alexa. Alexa हमारे घर कल आई है और वो सब सुनती है. Alexa बोलो भैया, लाइट चल जाती है. मुझे ये नहीं पता. मुझे भी नहीं पता, सॉरी. या मेरा दिन ऐसे कट गया मुझे समझा ही नहीं है. अब हम उसको पूछते हैं. Alexa, how does my day look like today? Tejashree, I found 4 things. Blogging today at 1:30 PM. Go to the Christmas light today at 2:30 PM. And come back home and cook dinner today at 6:30 PM. Would you like to hear the last one? Yes. Read a book today at 8:30 PM. Is there something, Alexa? And is there anything else? Alexa, are you missing out on any other task? Sorry, I don't know that one. यार इसको मैंने बोला था 9 बजे मुझे सोना है, वो भी याद दिलाना, but भैया भूल गई है. भूला गढ़. ओपन दिस कि थोड़ा लाइट नेचुरल आए. एलेक्सा, व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे? राइट नाउ इट्स 4 डिग्री सेल्सियस. चल टुनाइट एक्सपेक्ट अ लो ऑफ 0 डिग्रीज. कल रात को भी 0 डिग्री था, आज सुबह भी 0 डिग्रीज था, अब भी 4 डिग्री हो गए. बड़बड़ कर लिए, और मैंने आपको हमारे नए मेहमान से, मेहमान क्यों बोल रही हूँ यार, ये तो अभी परिवार का हिस्सा हो गया, से भी मिला दिया है. सो अभी हम ब्लॉग आगे. सो गाइस, आई एम रेडी. काफी टाइम लगा नहा धो के रेडी होने में, एंड फाइनली आई एम रेडी. कैमरामैन जल्दी फोकस करो.
यहाँ पे ठंडी इतनी होती है ना कि जहाँ भी जाओ आई डोंट गो बिना गर्म पानी और गर्म कॉफ़ी। फिलहाल हम निकल चुके हैं। मैंने ये टोपी इसीलिए पहनी क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ यार इसको टोपी भी है जो मैं कभी यूज़ नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसे पहन के चलते हैं और आज मैंने वैसे भी बाल धोए तो ज़्यादा ठंड ना लगे करके मैंने टोपी पहन ली। और वहाँ पे एक अंकल काम चल रहा था बाजू वाले घर में तो वो धूल उड़ रही थी और मैंने बाल भी धोए यार आज, तो उस वजह से अभी तक तो धूप थोड़ी दिख रही है। एक डेढ़ घंटे में इतना अंधेरा हो जाएगा ना यहाँ पे, ऐसे लगता है कि 8-9 बज रहे हैं। हाय गाइस, तो हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, सन मुंह पे गिर रहा है तो क्योंकि ये ना अभी थोड़ा टाइम का ही है, अभी चला जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सन का फील कर लेती और फिर जाती हूँ। इट्स वेरी प्रिटी हियर, लविंग द वाइब एंड आई एम एंजॉयिंग। जो मेरा मूड स्विंग हो रहा था, मूड ख़राब था, काफ़ी अच्छा हो गया। सो या हैविंग माय ओन टाइम नाउ। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. अरे हाय बोला गाइस, हाय बोला ना व्लॉग मध्ये, हाय बोला, हाय हाय बोला, हाय कोमल थी व्लॉग मध्ये। आज है 25th of November और एक महीने बाद होने वाला है क्रिसमस, बट क्रिसमस लाइट आज से ही चालू होने वाली है। सो उसका एक इवेंट बीबीसी वालों ने होस्ट किया है, बस हम लोग वही अटेंड करने जा रहे हैं और हम लोग काफ़ी लेट है और ऑलरेडी मैं यहाँ पे बैठ के ऑलरेडी टाइम पास कर चुकी हूँ आधा घंटा। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस जर्नी। यार ऐसा बढ़िया इवेंट किया है ना, यहाँ से देख के मजा आ रहा है। एंड आई मिस मंजीत सो मच कि काश वो यहाँ पे होता, बट वर्क वर्क है। और जस्ट उसके आगे है इवेंट, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग। Guys, we have already reached and इतनी अच्छी vibe है यहाँ पे। I'll just show you guys around क्योंकि कितना मस्त मज़ा आ रहा है। I am obviously missing Manjit, but it's fun. It's really fun. Enjoying. बहुत बढ़िया vibe है। ग्लव्स देखे मुझे आया, मुझे भी ग्लव्स पहनने, तो कहीं बैग रख के पहले ग्लव्स पहन लेती हूँ मैं। It's a silent disco by the way. Let's see, let's go.
मार्शमेलोज हियर फॉर 1 pound. सो आई एम गेटिंग दैट बैग और वहाँ पे उसको व्हाट यू से टोस्ट करके खाना है. सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटिंग. सो आई एम ट्राइंग दैट. लेट्स ट्राई. तभी तो काफी उजाला था, लाइट्स का इतना मजा नहीं आ रहा था, बट अभी जो व्यू है जस्ट शो काफ़ी बढ़िया था. बहुत मज़ा आया. मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, इस्पेशली वो मार्शमेलो वाला चीज़ मज़ेदार था. पर भैया ठंडी जो पड़ रही है, आई स्वेयर मेरी फट गई यार. ग्लव्स पहन लिए पर अंदर भी मैंने ना वार्मर पहना, उसके ऊपर मेरे कपड़े पहने, उसके ऊपर ये जैकेट पहना है और शूज सॉक्स सब पहना, पर ऐसे जकड़ रहे अंदर से पर नहीं हो रहा है वो अभी. मतलब मैं सोचा निकल रही थी क्योंकि मैं 2-3 काम है और अभी कुछ आई थिंक वो 5:30-6 बज रहे हैं, तो मैं 2-3 काम करके निकल गई. तो हमें पहले जाना है मॉरिसन्स, फिर जाना है एस्टा. तो ये 2-3 चीज़ें करनी है. अभी मैं मॉरिसन्स पहुंच गई हूँ. और दो जगह क्यों जा रही हूँ अगर एक ही मतलब चीज़ें ही खरीदनी है तो यहाँ मॉरिसन में क्यों नहीं खरीद रही हूँ. फर्स्टली मॉरिसन में थोड़ी बहुत चीज़ें सस्ती मिलती है कंपेयर टू एस्टा, बट एस्टा इज़ ऑलमोस्ट चीपर देन मॉरिसन. बट एक हाथ दो चीज़ें हैं जो मॉरिसन में मिलती है, एस्टा में नहीं मिल पाती, तो वो चीज़ खरीदने. दूसरी चीज़ एस्टा में कुछ ऑफर, मतलब मंजीत ने कुछ ऐप पे किया है तो लगातार 4-5 दिन अगर मैं कुछ खरीदूँगी थोड़ा थोड़ा तो उस पर पॉइंट्स ऐड होके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस वजह से एस्टा भी जाना पड़ेगा. तो बस चलते हैं. तो फाइनली हम लोग मॉरिसन से निकले, अभी आगे बढ़ना है एस्टा की तरफ. भाई ये बाहर निकलती इतनी ठंड, मतलब जो मैं हालत होके गई थी ना मॉरिसन में वो थोड़ा अंदर जाके ठीक लगा. तो अभी वापस बाहर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है. सामान ले लिया, आधा इस बैग में, आधा मेरे हाथ में बैग है उसमें भी एस्टा जाते हैं. घर जाके खाना भी पकाना है, ठंड से पगला गई हूँ. लेट्स गो होम. मैं फ़ोन भी ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ, हाथ में ग्लव्स है. आके काफ़ी टाइम गुजर चुका है और अभी बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली. चावल, कलेजी, फ्राई एंड पाव. और हमने ना लाया है ये पिज्ज़ा, तो जो मैं ये ओवन में बेक करूँगी. मंजीत ऑफिस से काम से निकलेगा तभी मैं इसमें डाल के बना लूँगी. मज़ा हो आ ही गया है, वाइब बन ही गई है, तो हम लोग बातचीत भी कर लेते हैं पूरे दिन के बारे में. सो गाइज ये मेरा दिन था, अकेले एक्सप्लोर किया. अब ये माइंडसेट तो बना के ही आई थी कि यू नो फर्स्ट ईयर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें अकेले टाइम स्पेंड करना, काफ़ी नई एक्सपीरियंसेस मिले हैं यहाँ पे जैसे कि सोलो. सो बीइंग इन अ रिलेशनशिप फॉर 11-12 इयर्स विद मंजीत, मैं कहीं अकेले नहीं गई. जहाँ भी गई वहाँ मंजीत हमेशा मेरे साथ था, या तो मंजीत या तो मेरे दोस्त या तो मेरे घर वाले, जो मुझे कभी लगा नहीं था मुझे इतना अच्छा लगेगा, बट आई एम एन्जॉइंग इट थरली. मैंने भी आज अकेले में बहुत मज़े किए, मुझे भी आज काफ़ी एक अलग साइड दिखी. मुझे कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं शायद अकेले कहीं गई इतने अनजान लोगों के बीच में अकेले व्लॉग कर पाऊँगी. आई ऑलवेज थॉट कि आई नीड दैट सपोर्ट और आई नीड पीपल आई नो अराउंड विथ मी व्हाइल आई विल व्लॉग. तो वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है.
बट आज देर वॉज नो वन दैट आई नो, और मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस से व्लॉग किया और उसमें भी एक अलग मज़ा था, काफ़ी लोग थे आसपास में तो बहुत मज़ा आया. मे बी दिस इज़ लाइक यहाँ पे लोगों को इतना बॉदर नहीं करता कोई कुछ भी कर रहा हो, नो बडी पिक्स इन बट, तो मुझे शायद वो चीज़ से भी फेमिलियरिटी हुई और सॉरी उस चीज़ से मुझे शायद कंफर्टेबल फील हुआ एंड मे बी उस वजह से मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली व्लॉग कर पाई. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग अराउंड. ऑल्सो आज मैं सुबह जब उठी तब मेरा मूड काफ़ी लो था, आई वॉज़ फीलिंग वेरी लो बिकॉज आई एम नियरिंग टू माई डेज ऑब्वियसली, तो उस वजह से आई एम हैविंग बिट ऑफ मूड स्विंग्स. बट मंजीत वॉज वेरी राइट, उसने मुझे बोला तो निकल बाहर, यू विल हैव योर टाइम, यू विल एन्जॉय. और जैसे मैं निकली, जैसे मैंने व्लॉग करने लिया, व्लॉग इज समथिंग आई लव, और जैसे मैंने व्लॉग करने लिया आई एन्जॉयड इट. मतलब उसके बाद मेरा लो मूड हुआ ही नहीं अभी तक. तो अभी हम मंजीत के लिए रुके, जैसे वो आएगा डिनर करेंगे, उसको मिलाऊंगी फिर ही व्लॉग एंड करेंगी. सो पिक्चर अभी बाकी है. गाइस मंजीत का कॉल आ गया, ही सेड वो निकल गया है और हम लाए हैं पिज्जा जो हमें अवन में बेक करना है, तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ. दिस इज हाउ द पिज्जा लुक्स, दिस इज लाइक रेडी टू कुक, इसे बस हमें 15 से 20 मिनट अवन में रखना है और फिर इट्स रेडी टू ईट. एल्यूमिनियम की ट्रेस लाई थी तो वो अभी अंदर रखेंगे इसमें पिज्जा रख के. गाइस सक्सेसफुली पिज्जा अवन से निकल गया और हम लोग सक्सेसफुली अच्छे से पिज्जा बना पाया, तो ये ठंडा होने से पहले खाया जाए. तो ये है आज का मेन्यू, पिज्जा घर पे बनाया है, रेडी टू कुक था, उसको ओवन में डाल के बना दिया. चावल दाल पाव, पाव टू हैव कलेजी फ्राई एंड मंजी टू एंजॉय द फीस्ट. लेट्स हग.